हेलमेट वो भी बिना कोई जानवर काटे। सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन यह अब हकीकत है। दरअसल सिंगापुर, जिसे एशिया का विकसित और एक योजना के तहत बसाए गए देश के तौर पर जाना जाता है, वहां के रेस्टोरेंट में शुरू हुई नई पहल ने पर्यावरण को नई रोशनी दी है। इस रेस्टोरेंट में बिना कोई जानवर काटे चिकन मीट सर्व किया जा रहा है। दरअसल लैब में बना यह चिकन मीट काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दिसंबर 2020 में अमेरिकी स्टार्टअप इट जस्ट ने सिंगापुर के रेस्टोरेंट 1880 में इसे लॉन्च किया था। सिंगापुर दुनिया का पहला देश बन गया था जिसने इस तरह के मीट की बिक्री को मंजूरी दी थी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब इसी तरह के मीट की मांग भी बढ़ रही है। पर्यावरण और एनिमल वेलफेयर के लगे संगठनों की तरफ से इस बात को लेकर कई बार चिंताएं जताई जा चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि साल 2050 तक दुनिया में मीट की खपत बढ़कर 70% तक पहुंच जाएगी। ऐसे में मीट के विकल्पों को लेकर अब संभावनाएं तलाशी जा रही है। लैब में तैयार मीट एक सुरक्षित खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित कर देगा। वहीं दुनिया भर के रिसर्चर्स इस समय इस बात की संभावना तलाशने में लगे हैं कि क्या आने वाले कई वर्षों तक लैब में बने चिकन को परोसा जा सकेगा। मगर दिसंबर 2020 में सिंगापुर की फूड एजेंसी की तरफ से बायोरिएक्टर्स में बने चिकन मीट को मंजूरी दे दी गई, तो रिसर्चर्स की उम्मीदों को नए पंख मिल गए। सिंगापुर के रेस्टोरेंट में चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों की मशहूर चिकन डिशेज को जगह मिली है। कहा जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में अंदर लैब में बना मीट दुनिया के कुछ और हिस्सों में सर्वे किया जाएगा। इजराइल के एक रेस्टोरेंट में लैब से बने चिकन मीट को परोसने की तैयारी चल रही है। सिंगापुर में इस प्रकार के चिकन को मंजूरी मिलने को रिसर्चर्स टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की बात का हिस्सा बताते हैं। रिसर्चर्स की माने तो अब वो टेक्नोलॉजी भी आने को तैयार है जो दुनिया में खाने पीने की आदतों को भी बदल देगी। लैब में बना चिकन दरअसल बिल्कुल किसी जानवर के मीट जैसा ही दिखता है। इसे असली चिकन की कोशिकाओं से ही तैयार किया जाता है, लेकिन इन कोशिकाओं को इसे फैक्ट्री में ही पैदा किया जाता है, न कि किसी जानवर पर। कहा जा रहा है कि इसी तरह से जल्द ही बीफ, पोक और दूसरे जानवरों का मीट भी तैयार किया जा सकेगा। फिलहाल अभी इसका ध्यान चिकन पर ही है। चिकन मीट के लिए अमेरिका समेत कई देशों में सबसे ज्यादा मुर्गों को मारा जाता है। लैब में बनने वाले चिकन के लिए चिकन सेल्स को असली जिंदा चिकन से लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जानवर को नहीं मारा जाता, इसलिए निर्माताओं को उम्मीद है कि शाकाहारी और वीगन डाइट को फॉलो करने वाले भी इस चिकन को खरीद सकेंगे। हालांकि लैब में बनने वाले चिकन को मांसाहार के शौकीनों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जा रहा है।